कहीं तुम अपनी बचपन की वाइफ को धोखा तो नहीं दे रहे? आई मीन पति पत्नी और वो? ओह नो नो, मोहिनी तो भाई यहाँ पर बदला लेने आई हुई है ना, यहाँ पर कृष्णा के साथ साथ आर्यमन से भी बदला ले रही है। उसको किस तरीके से जाल में फंसा दिया है, यहाँ पर हम देख ही रहे कि सूप वगैरह में उसके कुछ नशे की दवाई मिला देते हैं सिद्धार्थ और वो मिलकर। और यहाँ मेरी बात तो सुनिए आप। अरे तुम मेरी बात सुनो, बात आगे बढ़ेगी मतलब शादी की बात। सिली आर्यमन को होश नहीं रहता कि भाई ये मोहिनी है या कृष्णा है, और वो कृष्णा समझ के उसके करीब आने की कोशिश करता है। और यहाँ पर वो मोहिनी इस चीज का MMS वीडियो सब बना लेती है। मैं तो कब से अपने सिर के लिए एक रिच फैमिली की लड़की ढूंढ रही थी, जो हमारे स्टेटस की हो, जिसके नाम के आगे एक हाई प्रोफाइल का सरनेम लगा हो, जो हमारे सर्कल में उठने बैठने के लायक हो। और यही वीडियो ना वो भाई मीडिया में देने वाली है, कृष्णा को बताने वाली है, मतलब आर्यमन की जिंदगी खराब करने वाली है। हो सकता है आर्यमन को ब्लैकमेल करने की कोशिश भी करे, जिसे सिड के साथ देखे हर कोई बोले वाओ व्हाट अ जोड़ी। पर सिड को शादी किससे करनी है ये तो वही डिसाइड करेगा ना। नहीं नहीं, ये सब मैं सिड पर नहीं छोड़ सकती। और यहाँ पर आर्यमन से वो सारी चीजें कराएं जो कृष्णा के खिलाफ है, ये तो भाई आने वाले एपिसोड में देखेंगे क्या कुछ कराएगी मोहिनी। और लेकिन यहाँ तो अभी कृष्णा भी आ गई जिस होटल में ये दोनों रुके हुए थे। अब कल को वो किसी राह चलती लड़की को सड़क से उठा के बोल देगा कि मैं उसे अपनी बहू बना लूं। पहले सिद्धार्थ को मैसेज करूं क्या? नहीं, वो बहुत बिजी होंगे ना। तो पहले तो मोहिनी को देख के उसके होश उड़ जाते हैं, और वो मोहिनी से बोलती है कि तुम यहाँ पर कैसे, तुम तो किसी गांव वगैरह में गई हुई थी, तुम्हें यहाँ पर देखकर तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि तुम आर्यमन के साथ क्या कर रही हो। हाई सोसाइटी सरनेम वाली के साथ, और इससे पहले कि केतन मेरे खिलाफ कोई सबूत लाए तो अब मुझे ही कुछ करना होगा। यहाँ पर ना आर्यमन के सामने नाटक करती है और बोलती है अरे नहीं मैं तो अभी आई हूँ और मुझे नहीं पता कि आर्यमन भी यहाँ पर थे और मैं तो ऐसी अचानक से आ गई थी। और वहीं हम देख रहे हैं कि आगे जैसी होटल के रूम में जाती है ना यहाँ पर कृष्णा, तो उसको पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि लड़की जितनी जमीन के बाहर है ना उतनी जमीन के अंदर मिलता है उसके रूम में, और उसके होश उड़ जाते हैं। मतलब उसको समझ में नहीं आता कि क्या पर आर्यमन के रूम में भाई कौन था ऐसा जिसका झुमका यहाँ पर पड़ा हुआ है, और कोई लड़की आई थी क्या इसके रूम में? तो यहाँ पर वो आर्यमन से पूछती भी है। आर्यमन तो पहले कुछ सोच ही नहीं पा रहा है, लेकिन उसके बाद फिर ये लोग ना रिसेप्शन पे जाते हैं, मोहिनी भी जाती है साथ में। और यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट जो होती है ना वो बोल देती है कि ये तो इन मैडम का है, और वो फिर यहाँ पर झूठ वूठ बोल के, मतलब अभी तक ना मोहिनी का साथ सामने नहीं आया कृष्णा के, लेकिन देखेंगे जब आने वाले एपिसोड में आएगा तब क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कृष्णा तो भाई बहुत विश्वास करती है आर्यमन के ऊपर, और उसको तो ये लगता है कि आर्यमन जो है ना उससे बहुत प्यार करता है। लेकिन यहाँ पर आर्यमन को ना समझ में नहीं आ रहा कि मैं कृष्णा को कैसे सच बताऊं, और यहाँ पर जो मोहिनी ने उसके साथ किया उसका क्या करूं, क्योंकि भाई जिस तरीके से वो रूम में रो रही थी ना, इतना नाटक कर रही थी, तो यहाँ आर्यमन को सच में लग रहा है कि कुछ तो हुआ था, मैंने गलती से शायद उसके संग कुछ गलत कर दिया है। लेकिन यहाँ पर तो और ही उल्टा है कि मोहिनी ने सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, सिर्फ फोटोज खींचने के लिए सारी हरकतें की है। तो देखते हैं भाई सिद्धार्थ और मोहिनी अब आगे आर्यमन और कृष्णा के साथ क्या करते हैं।